अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिग्नेचर को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। इस तरीके से जीमेल में सिग्नेचर को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले तो लॉगिन, ऑब्वियसली उसके लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी को। और उसके बाद यहाँ पे अच्छा ये देखें, इसके ऊपर लिंक भी लगे हुए हैं। यूट्यूब का लिंक लगा हुआ है, फेसबुक का लगा हुआ है, इसी तरीके से ट्विटर और क्या नाम है इंस्टाग्राम का भी लिंक लगा हुआ है। तो अब हम इसको देखेंगे कि हम इस तरीके से सिग्नेचर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेटिंग में जाना है और यहाँ से सी ऑल सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसको जनरल के ऊपर ही रहने देना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद सिग्नेचर के ऊपर आएंगे। यहाँ पे ये मैंने सिग्नेचर क्रिएट किया हुआ है इसलिए मेरे पास यहाँ पे ये विजिबल हो रहा है। और आप लोग क्या करेंगे, आपके पास तो शो नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है क्रिएट, ये देखें यहाँ पे एक आ रहा है ऑप्शन क्रिएट न्यू, यहाँ पे जाके आप दूसरा सिग्नेचर को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो वो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, सिग्नेचर का नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि क्या नाम रखना है, सिग्नेचर का नाम रखेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये ब्लैंक, ये जो एरिया है आपके पास ये ब्लैंक होगा, इसके ऊपर आपको अपना सिग्नेचर, चाहे तो सिंपल अपना नाम वगैरह अगर वो लिखना है आपको वो लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से बनाने के लिए आपको यहाँ पे हम खोल लेंगे अपना गूगल डॉक्यूमेंट खोल लेंगे यहाँ से। और यहाँ से ब्लैंक ले लेंगे क्योंकि हमें क्रिएट करना है खुद से। ये इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है इंसर्ट के ऊपर, और इंसर्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ से ले लेना है टेबल। टेबल में आप दो कॉलम्स ले लें, एक में आपकी यहाँ पे आ जाएगी पिक्चर या लोगो जो भी आपका है वो यहाँ पे आप लिख लें, यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ पे जो हमें लिखना है, जो भी आपको एक्सपायर्ड लिखना है वो आप इस कॉलम में लिख लेंगे। यहाँ पे चाहे तो जाके नाम चेंज कर दीजिए अगर नाम चेंज करना है आपको। सिग्नेचर कर देते हैं हम इधर नाम। अच्छा अब यहाँ पे किस तरीके से इमेज आएगी, इंसर्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ से आप इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि आपको अपने कंप्यूटर से लेनी है, यानी अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, आपको वेब से सर्च करना है, या आपके ड्राइव में कोई पड़ी हुई है, या फिर फोटोज़ में से निकालनी है, एक्स वाई जेड आपकी पिक्चर जहाँ भी पड़ी हुई है आप वहाँ से आप यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे। मेरी कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे है तो यहाँ से मैंने अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करा, और यहाँ से ये मेरी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई। आप यहाँ से छोटा बड़ा जो भी एडजस्ट करना चाहें ये कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे जो हमें टेक्स्ट चाहिए वो हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से आप फॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं, राइटिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जल्दी से टेक्स्ट लिख लेते हैं जो भी हमें टेक्स्ट चाहिए।
अब यहाँ पे हम एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट के टैब में जाके यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को हम इंसर्ट कर लेंगे। इसकी अरेंज अलाइनमेंट वगैरह इसकी पूरी फॉर्मेटिंग अभी हम करेंगे। पहले हम पूरा टेक्स्ट लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी सारी अलाइनमेंट और भी फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे हम लिंक लगाएंगे, सोशल मीडिया के लिंक लगाएंगे। तो उसके लिए हमें उसके आइकन्स चाहिए, वो आप इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड कर लिए हैं, मेरे कंप्यूटर में है, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी वो इंसर्ट कर लेती हूँ। यहाँ से इसकी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, यानी इसको हाईलाइट कर लेते हैं, अपने नाम को, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, और इसी तरीके से जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग कर लें जो भी आपको रखनी है। ये मैं 1.5 रख रही हूँ, 1.5 1.15 रखिए। और क्या करना है, हम इसको अलाइनमेंट इसकी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं सेंटर। ठीक, ये हो गया। इसकी एडजस्टमेंट आप जिस तरीके से चाहें कर लें। अब इसकी बारी आई है बॉर्डर को कैसे रिड्यूस करेंगे या बॉर्डर को किस तरीके से हटाएंगे, तो वो देखते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बॉर्डर विड्थ का, यहाँ पे आप इसको ज़ीरो कर दें तो ये बॉर्डर क्या हो जाएगा, विजिबल नहीं होगा। इस तरीके से इसको सबको ज़ीरो कर लें, इसकी बॉर्डर विड्थ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। इसी स्कोप कर लेते हैं ज़्यादा, इनफ। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और इसको करेंगे कॉपी। सिंपल, यहाँ पे जाके पहले मैं इसको हटा देती हूँ।
डिलीट कर देते हैं इसको। यहाँ पे आएगा ऑप्शन इस तरीके से, आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे नाम मांगेगा सिग्नेचर का, आप यहाँ पे नाम लिख दीजिए, इसको यहाँ से क्रिएट कर लें और यहाँ पे लाके इसको कर देना है पेस्ट। ये हो जाएगा पेस्ट। और यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है मल्टीपल थिंग, जो आपने नाम रखा है, जो भी नाम रखा है, और लास्ट में इसको कर दें सेव चेंजेस। इस तरीके से आपका सिग्नेचर क्रिएट हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, कंपोज के ऑप्शन पे क्लिक करें। ये देखें, ये हमारे पास सिग्नेचर शो हो रहा है। इस तरीके से हम सिग्नेचर को क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।